अस्सलाम वालेकुम सर, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं काफी एक इंटरेस्टिंग टैबलेट के बारे में डिटेल शेयर करने वाला हूँ, जो कि आता है ब्लैकव्यू की तरफ से और इसका नाम है एक्टिव 8 प्रो। आप लोग पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ऑलरेडी ब्लैकव्यू के काफी सारे रगेड स्मार्टफोन को कवर कर चुके हुए हैं और ये वाला जो टैबलेट है ना, ये भी काफी ज्यादा एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आउटडोर के अंदर टैबलेट को यूज करना या फिर आप लोगों ने बच्चों वगैरह के लिए टैबलेट को बाय करना, तो ये वाला जो टैबलेट है ना, क्योंकि एक रगेड टैबलेट है तो आप लोगों के लिए काफी एक सुपर यूजफुल डिवाइस हो सकती है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में इसकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो शेयर करूंगा। जो बाय करने का लिंक है वो मैंने नीचे अटैच किया, अगर आप लोगों को ये वाली प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगती है तो आप लोग लिंक को विजिट कर लीजिएगा और इसके बारे में जो रिसर्च वगैरह वो कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में, तो क्योंकि ये एक रगेड टैबलेट है तो आप लोगों को ओवरऑल जो डिजाइन मिलेगा वो रगेड टाइप का ही मिलेगा। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया वो भी रगेड टाइप का ही किया गया। इसके अंदर आप लोगों को TPU सॉफ्ट जो रबड़ का मटेरियल है उसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, थिक रबड़ के जो कॉर्नर्स है वो मिल जाएंगे, जिनकी वजह से आप लोगों को शॉक और वाइब्रेशन की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ओवरऑल जो आपकी होल्ड होगी, जो ग्रिप होगी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट का कवर मिल जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों को वाटर और डस्ट की रेजिस्टेंस भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। और अगर हम लोग रेटिंग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, प्लस जो IP69K की रेटिंग होती है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ओवरऑल इसके अंदर आप लोगों को रेन की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सैंड एंड डस्ट की प्रोटेक्शन, वाइब्रेशन, शॉक, एक्सेलरेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, अगर आप लोग इमरजन वगैरह के अंदर भी इसको यूज करते हो, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा रगेड है तो आप लोगों को किस किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 60 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक की जो टेम्परेचर की रेंज है वो मिल जाएगी। लाइक आप लोगों ने अगर इसको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर यूज करना, आउटडोर के अंदर, जंगल वगैरह के अंदर, किसी शिप वगैरह के अंदर यूज करना, तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों के लिए आप लोगों ने लेना है, अगर वो गिराते वगैरह, आप लोगों को ड्रॉप और जो शॉक वगैरह की प्रोटेक्शन है कंप्लीटली तौर पर इसके अंदर मिल जाएगी। फ्रंट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आप लोगों को 10.36 इंचेस का एक 2.4K का डिस्प्ले मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की फ्रंट के ऊपर प्रोटेक्शन भी एडिशनल मौजूद है। अगर आप लोग इसके ऊपर कंटेंट को कंज्यूम करोगे, क्योंकि 2.4K का डिस्प्ले है तो जो कंटेंट की क्वालिटी होगी वो आपको काफी ज्यादा डिसेंट मिल जाएगी। डिस्प्ले काफी ज्यादा डिसेंट क्वालिटी का लगा हुआ है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन होती है वो काफी ज्यादा मैटर कर रही होती है, तो 2.4K की रेजोल्यूशन मोर देन इनफ है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को हार्मन कार्डन का स्पीकर का सिस्टम भी मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड्स और भी यूज करती हैं, जो कि आपको काफी सुपीरियर टाइप की जो स्पीकर की क्वालिटी है और जो साउंड की क्वालिटी वो प्रोवाइड कर देगा। तो आपका जो एंटरटेनमेंट का यूज होगा इस टैबलेट को लेकर, क्योंकि इसके अंदर बड़ी स्क्रीन मिलती है, वो काफी ज्यादा डिसेंट होगा अगर आप लोगों ने बच्चों वगैरह को लेके देना कार्टून वगैरह को देखने के लिए। प्लस इसके अंदर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा प्रोफेशनल यूज करना है तो आप लोगों को इसके अंदर PC मोड भी मिल जाएगा। लाइक आप लोग इसको PC के तौर पर भी यूज कर सकते हो। इसके साथ आप लोग स्टाइलस को यूज करके अगर आप लोगों ने ड्राइंग वगैरह करनी है तो आप लोग वो भी डेफिनेटली कर सकोगे। काफी ज्यादा आप लोगों को मल्टी फंक्शन टाइप की ये जो फंक्शनैलिटी है टैबलेट प्रोवाइड कर देगा। अगर हम बात करते हैं रैम की, तो इसके अंदर 8GB की रैम है, साथ में 8GB की एडिशनल रैम की सपोर्ट भी मिल जाएगी। लाइक अप टू 16GB तक की जो वर्चुअल प्लस एक्चुअल रैम की सपोर्ट मिल जाएगी। 256GB की इंटरनल स्टोरेज है, साथ में आप लोग 1TB तक जो मेमोरी कार्ड है उसको डालकर अपनी जो मेमोरी उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर में G99 का मीडियाटेक का हेलियो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है। अब इस प्रोसेसर को हम लोग ऑलरेडी काफी डिवाइसेस के अंदर देख चुके हैं, काफी आपको एफिशिएंट टाइप की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। डे टू डे यूज के अंदर आप लोगों की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो काफी ज्यादा डिसेंटली रन करेंगी। अगर आप लोगों ने गेमिंग भी करनी है तो आपकी जो नॉर्मल गेम्स होंगी वो भी काफी डिसेंटली चलेंगे। अगर आप लोग PUBG वगैरह को खेलना चाहते हो तो वो भी नॉर्मल सेटिंग्स के ऊपर चल जाएगी। ओवरऑल आपका जो डे टू डे यूज होगा इस प्रोसेसर के अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। कैमरास की बात की जाए तो बैक साइड के ऊपर 48MP का मेन सेंसर है, फ्रंट के ऊपर 16MP का सेल्फी कैमरा है। 2K की वीडियो को रिकॉर्डिंग करने का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मोड्स भी मिल जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल टेट्रापिक्सल का मोड है, ऑटो फोकस का, स्मार्ट ISO का और स्मार्ट WDR का ऑप्शन इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है। जो कैमरा की क्वालिटी होगी वो काफी ज्यादा डिसेंट टाइप की आप लोग कह सकते हो, नॉर्मल टाइप की होगी, क्योंकि ये मिड रेंज का टाइप का टैबलेट है, तो आप लोग इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आप लोग आउटडोर के अंदर बेटर लाइट को प्रोवाइड करोगे तो आपको बेटर पिक्चर्स मिल जाएंगी काफी यूजेबल क्वालिटी के अंदर। अब क्योंकि इस टैबलेट के कैमरास को मैंने एक्चुअल में टेस्ट नहीं किया हुआ तो अपनी फाइनल ओपिनियन तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों को जो क्वालिटी मिलेगी वो मिड रेंज टाइप के जो स्मार्टफोन टाइप की क्वालिटी होती है ना, उस किस्म की मिल जाएगी। आप लोगों को 2K की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। आप लोग यहाँ पर जो कंपनी के ऑफिशियल सैंपल वगैरह उनको देख सकते हो, जो कंपनी कह रही है कि आप लोगों को इस किस्म की क्वालिटी मिलेगी। अगर बात की जाए बैटरी की, तो आप लोगों को पता है कि जो टैबलेट्स होते हैं उनके अंदर बैटरी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके अंदर आप लोगों को 22,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 4-in-1 बैटरी पैक साथ आती है। आप लोगों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, 33W की फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट है, 160 hours तक का आप लोगों को टोटल जो प्लेबैक का टाइम है वो मिल जाएगा। अब एक नॉर्मल अगर हम लोग पावर बैंक को देखते हैं तो उसके अंदर 10,000mAh की हमें कैपेसिटी मिल रही होती है, 12,000mAh की, 15,000mAh की, इसके अंदर हमें 22,000mAh की बैटरी की कैपेसिटी मिल रही है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो बैटरी का टाइम होने
होने वाला वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और जो प्रोसेसर लगाया गया वो भी 6 nm के ऊपर बेस्ड है। डिपेंडिंग ऑन आपका किस किस्म का यूज़ है, आप एक महीना तक भी इससे निकाल सकते हो इजीली। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड 13 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि इस वक्त लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन चल रहा है, NFC की सपोर्ट भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अपनी डिवाइसेस को NFC के थ्रू कनेक्ट वगैरह करना यूज़ करना है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकोगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस टैबलेट की प्राइस की, तो इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, एक ऑफर चल रही है, जो बाय करने का लिंक है नीचे अली एक्सप्रेस का मैंने अटैच किया हुआ, आप लोग उस लिंक के थ्रू विजिट करके इसकी जो प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस उसको हासिल कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास जो टैबलेट है वो मौजूद नहीं है तो मैं अपनी फाइनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रोडक्ट है ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट है। ब्लैकव्यू का जो नाम है रगेड स्मार्टफोन्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये जो टैबलेट है उनकी तरफ से ही आ रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक वही वाला DNA मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, टैबलेट की जो कैटेगरी है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इम्पोर्ट को लेकर थोड़े से डिलेज वगैरह चल रहे हैं, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट का आना वो थोड़ी सी लेट हो सकती थी। इनकी सेल चल रही है, डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हुई है डिटेल। इनके साथ मिलकर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, फ्यूचर के अंदर इनका प्लान भी है पाकिस्तान के अंदर आने वगैरह का। इसके अलावा अगर हम लोग PTA के टैक्स की बात कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो आपकी मर्जी है। अगर आप सिम वाला वर्जन बाय करते हो तो आपने अगर अप्रूव करवाना तो आप लोग करवा सकते हो, और अगर आप लोग वाईफाई वाला वर्जन बाय करते हो तो क्योंकि उसके अंदर सिम नहीं डलती तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी PTA का टैक्स नहीं होगा, क्योंकि आपने सिम तो चलानी नहीं है। बाकी सारी से जितनी भी डिटेल है आप लोग लिंक के थ्रू जाकर विजिट करके अली एक्सप्रेस के ऊपर देख लीजिएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों को ये वाला टैबलेट कैसा लगा, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।